नागपुर में अपने ही बने कातिल रिश्तेदार को चाकू मारकर की हत्या, 17 बार किया वार, दो लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नागपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां अपने ही अपनों के दुश्मन बन बैठे। दरअसल विदर्भ क्षेत्र में एक रिश्तेदार की चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नागपुर पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गाँव करली के एक कुएं से पीड़ित प्रकाश रमेश एटकर का शव गुरुवार को बरामद किया गया था। चाकू से 17 बार वार किया, मृतक के शरीर पर चाकुओं से 17 बार वार किया था। मृतक प्रकाश रमेश एटकर उम्र 19 वर्ष, दोग्र धामना दवला मेटी के 8वां मेल का निवासी है। वहीं आरोपी अजय दशरथ एटकर उम्र 22 वर्ष, सुरेश चीमा लश्कर उम्र 23 वर्ष, दोनों दुर्ग धामना दवला मेटी के निवासी है। हालांकि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारी ने कहा कि 8 घंटे के भीतर पुलिस ने मामले को सुलझा लिया और उनके दो रिश्तेदारों को हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। शराब पिलाई और उतारा मौत के घाट। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपियों अजय दशरथ एटकर और सुरेश चीमान लश्कर ने रमेश से पुरानी रंजिश का बदला लिया था। पहले आरोपियों ने उसे शराब पिलाई और फिर बाद में उससे झगड़ा करने लगे थे। हालांकि मृतक को यह आशंका हो गई थी कि उसको जाल में फंसाया जा रहा है और वे उसके साथ कुछ गलत करने की फिराक में हैं। इतकर को लगा कि वह मुसीबत में है और वह उनसे बचकर भागने लगा, लेकिन दोनों ने उसका पीछा किया। आरोपियों ने रमेश इतकर पर चाकुओं से 17 बार वार किया। इसके बाद उन्होंने शव को कुएं में फेंक दिया।